तो दोस्तों ये बात तो आप सभी जानते हैं कि स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन तेलुगु फिल्मों के सुपरस्टार हैं और उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग भी है। दोस्तों अल्लू अर्जुन की सफलता का राज एक्शन, कॉमेडी और रोमांस है और इस वजह से वो देश भर के दर्शकों को अपनी ओर खींचते हैं। वही दोस्तों अब अल्लू अर्जुन की फिल्मों को लेकर एक शॉकिंग खबर सामने आई है, जिसे सुनने के बाद अल्लू अर्जुन के तमाम फैंस काफी ज्यादा निराश है और फैंस अपनी नाराजगी सोशल मीडिया पर जाहिर कर रहे हैं। तो दोस्तों आखिर मामला क्या है, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल दोस्तों बात ये है कि अल्लू अर्जुन की सुपरहिट फिल्म दौड़ा जगन्नाथ अका डीजे और सरई नोडू के हिंदी वर्जन यूट्यूब से डिलीट हो चुके हैं। इन दोनों मूवीज के हिंदी डब वर्जन लोगों के बीच काफी लोकप्रिय है और दोस्तों अल्लू अर्जुन की ये दोनों ही फिल्में YouTube पर वन ऑफ द मोस्ट व्यूड फिल्म्स ऑन YouTube की लिस्ट में भी शामिल है, जिसमें डीजे के 270 मिलियन प्लस व्यूज थे। तो वही सरई नोडू ने इतिहास रचते हुए 300 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज हासिल कर लिए थे। पर दोनों ही फिल्मों का YouTube से यू अचानक डिलीट हो जाने की खबर ने फैंस को बहुत ज्यादा शॉक में डाल दिया है। और दोस्तों जब इसके पीछे की वजह जानने की कोशिश की गई तब पता चला कि कुछ टेक्निकल इश्यूज के चलते ये दोनों ही फिल्में YouTube से हट चुकी है। हालांकि दोस्तों ये बात अभी तक कंफर्म नहीं है, कुछ रिपोर्ट्स में इस बात का दावा भी किया जा रहा है कि ये वीडियोस YouTube से डिलीट नहीं हुई है बल्कि गोल्डमाइंस टेलीफिल्म्स ने डीजे और सरई नोडू दोनों फिल्मों को प्राइवेट कर दिया है। वही दोस्तों इसके पीछे का एक और कारण भी हो सकता है, एक्चुअली ये फिल्में डिलीट करने के बाद एक बार फिर अपलोड करने से अल्लू अर्जुन के फैंस वापस से इन फिल्मों को 100, 200 और 300 मिलियन व्यूज तक पहुंचा देंगे और इन फिल्मों को खूब देखेंगे और इस वजह से गोल्डमाइंस टेलीफिल्म्स को एक बार फिर से YouTube से अच्छी खासी अर्निंग हो जाएगी। और अब ऐसे में हो सकता है कि इसी वजह से इन फिल्मों को हर बार हटाया जाता है और फिर से अपलोड किया जाता है। हालांकि दोस्तों इस खबर की कोई ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन सामने नहीं आई है। वही दोस्तों आपको बता दें कि पहले भी एक बार गोल्डमाइन टेलीफिल्म्स यूट्यूब चैनल से सभी फिल्में डिलीट हो गई थी और उसमें अल्लू अर्जुन की सुपरहिट फिल्म सरई नोडू भी शामिल थी। वैसे दोस्तों आपको ये भी बता दें कि अल्लू अर्जुन की फिल्मों का डिलीट होना एक्टर बेलमकोंडा श्रीनिवास के लिए फायदे का सौदा हो गया है। दरअसल दोस्तों बेलमकोंडा श्रीनिवास की जया जानकी नायिका का हिंदी डब वर्जन अब यूट्यूब पर मोस्ट व्यूड हिंदी डब फिल्म बन चुकी है, जिसने YouTube पर 283 मिलियन प्लस व्यूज हासिल कर लिए हैं। वैसे दोस्तों अब देखते हैं कि गोल्डमाइंस टेलीफिल्म्स अल्लू अर्जुन की फिल्में डिलीट होने पर क्या रिएक्शन देते हैं। तो अल्लू अर्जुन के तमाम फैंस आप बताइए कि आप डीजे और सरई नोडू के YouTube से डिलीट होने पर क्या कहना चाहेंगे, जरूर शेयर कीजिए अपनी राय कमेंट सेक्शन में। और दोस्तों साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूले और बॉलीवुड के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए इंडियन स्टोरी यूट्यूब चैनल को। जय हिंद।